नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। भाजपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी पकौड़ीलाल कौल ने किया जनसंपर्क। सोनभद्र जिले के हिंदुआरी इलाके में भाजपा अपना दल गठबंधन प्रत्याशी पकौड़ीलाल कौल ने किया जनसंपर्क और अधिक से अधिक मत देकर जीत दिलाने की अपील। जनसंपर्क में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रॉबर्ट्सगंज और विधानसभा प्रभारी घोरावल कृष्ण मुरारी गुप्ता, अपना दल जिला अध्यक्ष सत्यनारायण पटेल, जिला मंत्री भाजपा समूह नारायण सिंह भाजपा, पिछड़ा वर्ग जिला उपाध्यक्ष मनोज पटेल, महेंद्र पटेल से दर्जनों की संख्या में भाजपा और अपना दल नेता व कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में शामिल रहे। इससे पूर्व भी आप सर चुनाव मैदान में रह चुके हैं, आप विधायक भी रह चुके हैं, पता चला हमको सांसद भी रह चुके हैं आप। जी जी। फिर पार्टी दूसरी पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या आम जनमानस क्या चाहती है आपसे, क्या आप चुनाव में खड़ा उतरना चाहेंगे? हम अच्छे रहे हैं, हमारा स्वभाव हमारा व्यवहार अच्छा रहा है और उस व्यवहार से मेरे लोग हमारे लोग जात पात और पार्टी से हटकर भी प्रभावित रहे हैं और आज जो है इसलिए मैं सबका साथ चाहता हूं, सबका आशीर्वाद सब चाहता हूं और बाकी जनता तो केवल मोदी जी को चाहती जन्मा और मोदी जी के कार्यक्रम अच्छे हैं, मोदी जी के विचार अच्छे हैं और देशवासियों के हित में उनके अच्छे विचार हैं, इसलिए मैंने मोदी जी को पसंद किया और मोदी जी की गठबंधन का हम और हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय नेता, इन्होंने इनके विचारों से प्रभावित होकर गठबंधन में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सर आपका साथ दे रहे हैं ना? नहीं, कार्यकर्ता तो मेरा पूरा सहयोग। हाँ हाँ, जहाँ से कहीं से ऐसा कुछ आवाज़ भी अभी तक सुनने में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े अनुशासित हैं, वो आदेश का पालन करते हैं, जो हाईकमान का आदेश होता है उस पर अपने को पूर्ण रूप से तत्व पालन करते हैं और उनके आदेश पर मरने मिटने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। आपके प्रत्याशी महोदय यहाँ पे चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है, क्या उम्मीद रखते हैं आम जनमानस से? क्षेत्र का भ्रमण करने की पश्चात है ये स्पष्ट साबित हो रहा है कि पूरे प्रदेश और देश में मोदी जी की एक लहर चल रही है, जो स्वामी लहर चलती है उस तरीके से जनता में एक उत्साह है, खुशी है और उनको ये लग रहा है कि मोदी जी हैं तो देश मुमकिन है। इस भावनाओं के साथ समस्त लोगों के विचार में भावना है कि हम वोट करेंगे और उनसे पूछा जा रहा है कहाँ वोट करेंगे, तो मतदाता का स्पष्ट रूप कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट करेंगे, तो उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन है, बता रहे हैं कि हमको प्रत्याशी पता नहीं है लेकिन हमारी भावनाएं हैं, हमारी सोच है कि मैं मोदी जी को वोट दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाने का सोच रखा हूँ और उनको वोट करेंगे। उनकी ये देश ये भ्रमण करने के पश्चात जनमानस में इस तरह की भावना काफ़ी स्तर से मतलब बनी हुई है। जी, अपना दल को कितनी सीटें मिली हैं सर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अपना दल एलायंस के तहत 2 सीटें मिली हैं, एक तो मिर्ज़ापुर की है जहाँ माननीय मंत्री अनुप्रिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको है, और दूसरा का जनपद सोनभद्र की सीट है जिसमें हमारे पूर्व सांसद पकौड़ीलाल कौल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। चुनाव की क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पे, आम जनमानस आप लोगों के साथ है चुनाव मैदान में? जनमानस तो पूरी तरीके से तैयार है, जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार आम जनमानस के लिए काम कर रही है, जिस तरह की तमाम योजनाएं निचले स्तर तक पहुँचाई गई है उस पर सारे सबका साथ सबका विकास का जो फार्मूला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है उसके अंतर्गत जो काम किया गया है उसमें सभी लोग ये चाहते हैं कि बस पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और इसमें मुझे लगता है कि वो अपने आप उनके विचारों से प्रभावित होकर के ये मुझे स्पष्ट लगता है कि हम लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, जनता ने भी मन बना लिया अपना। आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी जो काम नहीं हो पाया था, हर घर में बिजली पहुंच जाए, हर घर पक्का बन जाए, हर घर में शौचालय हो जाए, हमारी माताओं बहनों को घर से बाहर न जाना पड़े इसके लिए शौचालय हो जाए, इसके लिए मोदी जी ने 5 साल में भरसक प्रयास किया है कि लगभग पूरा हो जाए, उनका लक्ष्य है कि 2022 तक सभी घर पक्का हो जाए, इसलिए हम लोग मोदी जी के लिए एक बार पुनः
प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान करते हुए आप लोगों के पास जा रहे हैं। आप लोग सब लोग का की सहानुभूति है, सभी लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने।